हेलो गेनोपिनियंस, दिस इज योर गेनोपिनियंस है एंड वेलकम बैक टू वर्ड प्रेस ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वर्ड प्रेस के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से बैकअप या फिर रीस्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो फोल्डर्स फाइल्स अपलोड कर रखी है अपने डायरेक्टरी पे, जो आपके वेबसाइट के डायरेक्टरी उस पर जो फाइल्स अपलोड कर रखी है, आप उनका बैकअप किस तरीके से ले सकते हैं। और मान लीजिए आपने उनका बैकअप ले रखा है और उनको किसी दूसरे होस्ट पे आपको अगर उसको रजिस्टर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं तो GoDaddy की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप दूसरी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सी पैनल पे लॉगिन कीजिए। सी पैनल पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको या तो डायरेक्ट ही बैकअप का ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं तो आप एक सॉफ्टवेयर फाइल जिला डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल जिला के थ्रू आप जैसे ही फाइल जिला डाउनलोड करेंगे, फिर बाद में वहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, जो आपका FTP अकाउंट है उसका। जैसे ही वो यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और क्विक कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी फाइल्स हैं आपके फाइल मैनेजर के अंदर आपके वेबसाइट से रिलेटेड, वो सभी आपको ऑप्शन मिलेगा। आप उसके थ्रू आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो सी पैनल है GoDaddy का, वो यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, तो मैं तो यहाँ पे सिर्फ बैकअप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही बैकअप पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ पेज अपीयर होगा। तो जैसे ही आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज अपीयर होगा। अब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं क्या करना चाहते हैं। आप कोई फुल बैकअप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी डायरेक्टरी होगी, जितने भी फोल्डर्स होंगे आपने जो क्रिएट कर रखे होंगे, अपलोड कर रखे होंगे, या फिर कोई दूसरा वेब बिल्डर के थ्रू आप कोई दूसरी ऑटो इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन के थ्रू जो बना रखे होंगे, आप जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी जो फाइल मैनेजर के अंदर डायरेक्टरी फाइल्स, वो सभी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कोई पार्शियल बैकअप लेना है किसी किसी भी अगर कोई पर्टिकुलर फोल्डर का बैकअप लेना है तो इसके ऊपर पार्शियल बैकअप का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अंदर जाके आप कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर या डायरेक्टरी का बैकअप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको रीस्टोर करना, अब आप बैकअप ले चुके हैं, अब आपको उस बैकअप को रीस्टोर करना है, यानी कि मान लीजिए आप कोई आपकी डोमेन ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे होस्टिंग सर्वर पे, अब वो जो आपने बैकअप लिया था वो आपको दूसरे होस्टिंग सर्वर पे भी अपलोड करना पड़ेगा, वो डाटा आप लॉस नहीं करना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आप किस तरीके से करेंगे। तो उसके लिए या तो दो तरीके, आपने जो बैकअप लिया था वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा PHP माई एडमिन वाले पे। यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको PHP माई एडमिन पेज खुलेगा, उसके अंदर आपको मिलेंगे डाटाबेस इन सभी के ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का कोई PHP माई एडमिन वाला पेज खुलेगा। अब आपका जो डाटाबेस होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद आपने जितनी भी टेबल्स का बैकअप लिया था, आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप जितनी भी टेबल्स थी आप वो उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरीके से आपने जो बैकअप लिया था, जो आपका डाटाबेस था, उसको भी आप फिर से अपलोड कर सकते हैं। अब बात करने आते हैं आपके जो फाइल्स डायरेक्टरी थी उनको किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। या तो आप वही फाइल जिला था उसके अंदर जाके आप जैसे ही क्विक कनेक्ट करेंगे आपके यूजर नेम और पासवर्ड डाल के, तो फिर बाद में आप वहाँ पे जिस भी डायरेक्टरी में अपलोड करना है उस डायरेक्टरी को सेलेक्ट कीजिए। आपके पास अपलोड का ऑप्शन आएगा, उस अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जितनी फाइल्स डायरेक्टली अपलोड करनी है उनको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं आसानी से। या फिर आप इसी बैकअप वाले ऑप्शन में जा सकते हैं, क्योंकि ये बैकअप वाला जो ऑप्शन है ये आपको रिस्टोर करने का भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आपके सी पैनल में लॉग इन कीजिए, आप सी पैनल में लॉग इन करेंगे तो बैकअप पे क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपका जो बैकअप वाला पेज खुलेगा उसके साथ में साइड में रिस्टोर का ऑप्शन रहता है। आप जो जो फाइल अपलोड करना चाहते हैं, रीस्टोर MySQL डाटाबेस बैकअप फाइल, रीस्टोर होम डायरेक्टरी बैकअप फाइल, आप वो फाइल चूज कर सकते हैं, उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे वो आपका वापस से जो आपने बैकअप लिया था वो आप अपलोड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इजीली किसी का भी बैकअप ले सकते हो और फिर उसको रिस्टोर कर सकते हो। वेल आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर इसके अंदर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। Well, thanks for watching the video.